हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? सो टुडे वी लर्न दिस लेसन. ओके, लेट्स प्ले. सो व्हाट इज गिवन इन दिस लेसन? वी सी लेट्स फॉर्म फोर ग्रुप्स. नाउ पिक अप एनी वन ऑफ द कार्ड्स. राइट डाउन एज मैनी नेम्स एज यू कैन रिलेटेड टू योर कार्ड. यू मे डिस्कस विथ योर ग्रुप मेंबर्स. देन यू फिनिश कॉल बिंगो. The group with the maximum number of examples will win. देखो उसमें क्या दिया है, लेट्स फॉर्म अ फोर ग्रुप्स. हमको फोर ग्रुप्स बनाने हैं, तो हम एक गेम खेलेंगे. आपको ये गेम अच्छा लगेगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलना. ओके, तो इसमें क्या बोला है कि आपको फोर ग्रुप्स बनाने हैं. कितने ग्रुप्स बनाने हैं? फोर ग्रुप्स. इसमें आप अपने फ्रेंड को भी इंक्लूड कर सकते हो अपने ग्रुप में. ओके, तो आपके साथ आपका आपकी कोई फ्रेंड हो उसको इंक्लूड कर लो, और फिर उसके बाद ऐसे फोर ग्रुप्स बना लो. जैसे आप और आपके फ्रेंड टू हो गए, एक ग्रुप हो गया. फिर टू और कोई हो गए, उनके उनका सेकंड ग्रुप हो गया. फिर टू और कोई हो गए, उनके टू या थ्री मेंबर्स हो गए, वो थर्ड ग्रुप हो गया. फिर टू थ्री फोर और कोई मेंबर्स हो गए, फिर वो फोर्थ ग्रुप हो गया. लेकिन डिवाइड बराबर करना. अगर आप टू हो तो टू जो सेकंड ग्रुप होगा वो टू का ले लो, जो थर्ड ग्रुप होगा वो भी टू का ले लो, और फोर्थ ग्रुप होगा वो भी टू ही होंगे. ओके, तो इक्वल ग्रुप्स बना लो, इक्वल मेंबर्स बना लो अपने ग्रुप में, और उसके बाद में ये गेम खेलो, प्ले करो. तो ये गेम में क्या करना है आपको पता है? इसमें ना पेपर्स में से छोटे छोटे चिट बनानी है. जैसे हम खेलते हैं चोर चिट्ठी, वैसे ही क्या करना है, फोर नेम्स लिखने हैं. क्या लिखना है उसमें? फर्स्ट नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. ठीक है, पेपर्स कट करने हैं, और पेपर्स कट करने के बाद उसमें क्या करना है, उसमें लिखना है, फोर पार्ट्स करने हैं पेपर के, और उसमें लिखना है नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग. अब जिसके पास भी नेम नेम का चीट आएगा, वो किसी का भी नेम बोलेगा. जैसे रिया, प्रिया, श्रेया, राहुल, रोहित, निखिल, नेहा, कुछ भी जो भी नेम रहेगा वो बोलेगा. ठीक है, प्लेस. अब जैसे कि किसी के पास अगर प्लेस का अगर किसी के पास आया पेपर, तो वो प्लेस का कुछ भी नेम बता सकता है. जैसे मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कोई भी प्लेस नेम बता सकता है जो भी उसको आता हो या पता हो. तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, या तो कोई भी प्लेस का, स्पेसिफिक प्लेस का नेम जो भी हो, जिस प्लेस पे आप रहते हो वो प्लेस का नाम भी बता सकता है. फिर उसके बाद में एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. किसी भी एनिमल का नेम आप बता सकते हो. टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. डॉग, कैट, किसी भी एनिमल का आप नेम बता सकते हो. अभी फोर्थ क्या है? फोर्थ है थिंग. आपको क्या बताना है? थिंग्स. थिंग में आप कुछ भी बता सकते हो, बैट, बॉल, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसके नेम्स आप बता सकते हो. तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये खेल जो ये प्ले है वो खेल सकते हो. तो इसमें देखो लिखा हुआ है, नीचे देखो चार्ट बनाया हुआ है, और वो चार्ट में फर्स्ट वन दिया है. फर्स्ट वन क्या दिया है? अमित दिया हुआ है ना, फर्स्ट वन अमित. फिर उसके बाद में सेकंड क्या दिया है? प्लेस पुणे. फिर क्या दिया हुआ है? कैट. थिंग्स में क्या दिया हुआ है? बॉल. तो इस तरह से आपको जो है नेम्स, इस तरह से आपको जो है ये गेम खेलना है. ओके, तो पहले आप क्या करोगे नेम्स में, अगर किसी के पास फर्स्ट शीट आया नेम का, तो क्या आप करोगे? नेम बोलोगे. तो नेम में तो आप बहुत सारे नेम्स बोल सकते हो. जैसे मैंने बताया आपको नेहा, तो आप इसमें नेहा, अभी इसमें तो अच्छे से लिखाएगा नहीं, लेकिन तो भी मैं कोशिश करूँगी नेहा. फिर किसी का भी नेम लिख सकते हो, राहुल. इसमें अच्छे से क्लीन हो नहीं रहा है, लेकिन आप इसमें लिख सकते हो राहुल, RAHUL, राहुल, या किसी का भी नेम, रिया, RIYA, रिया, ऐसे किसी का भी नेम लिख सकते हो. अभी प्लेस आया तो आप पुणे, देखो प्लेस नेम लिखा है ना, पुणे प्लेस नेम लिखा है. क्या लिखा है? पुणे है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दूसरा प्लेस नेम. आपका विलेज नेम भी लिख सकते हो उसमें, आप बोल सकते हो विलेज नेम जो भी है. इसमें बाद में लिखना, लेकिन जब गेम खेलोगे तो आप बोल सकते हो नासिक, पुणे, या कल्याण, डोंबिवली,
या जिस प्लेस पे आप रहते हो उसका भी नेम बता सकते हो, जो कोई भी प्लेस नेम बता सकते हो, ओके, जो भी प्लेस नेम आपको बताना है, स्टेट नेम बता सकते हो, सिटी का नेम बता सकते हो, तो किसी भी प्लेस का नेम बता सकते हो, या तो फिर आप क्या बता सकते हो, हॉस्पिटल भी प्लेस ही है, वो बता सकते हो, स्कूल का नेम बता सकते हो, आप किसी भी प्लेस का नेम बता सकते हो, बस स्टॉप भी एक प्लेस है जहाँ पे हम बस पकड़ते हैं, रेलवे स्टेशन में भी बहुत सारे जो है स्टेशन्स होते हैं, उसके भी नेम, आप विलेज जाते हो तो बहुत सारे आते हैं ना स्टेशन, तो उसके भी जो है प्लेस के नेम आप बता सकते हो। फिर अभी एनिमल में मैंने बताया आपको, एनिमल्स तो आपको पता ही है, आप कितने सारे एनिमल्स को देखते हो, कैट देखते हो डेली, डॉग देखते हो, और क्या देखते हो अपने आसपास, वो भी सब बता सकते हो। और फिर ज़ू में जाते हैं तो ज़ू में कितने सारे एनिमल्स होते हैं, वो सभी नेम्स हम बता सकते हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, चीता, लेपर्ड और लायन, टाइगर, रेनोसरस, बहुत सारे जितने भी एनिमल्स हैं, मंकी, डोंकी, सारे नेम्स आप बता सकते हो एनिमल्स के। थिंग्स में बॉल, बैट और बेंचेस, चेयर, और क्या बता सकते हो, बेड, और क्या बता सकते हो, चेयर और सोफ़ा, टेबल, फैन, जो भी आपके आसपास जो दिखती है थिंग्स, जो चीज़ें दिखती है आप वो बता सकते हो, फिर वो बता सकते हो, क्लोथ्स, आपके आसपास क्लोथ्स दिखेंगे वो क्लोथ्स भी बता सकते हो, जो भी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, जो जिसके साथ आप खेलते हो, वो चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये गेम आप खेलना, बहुत इसमें बहुत बहुत अच्छा लगता है ये गेम खेलने में, ओके। तो अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप के साथ ये गेम ज़रूर खेलना। अभी देखो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा। हमको क्या करना है, ये रीड करना है, ओके, ये पैसेज जो दिया है वो रीड करना है, और इसमें क्या दिया है पैसेज में, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, जो भी दिया रहेगा, प्लेस का नेम, किसी का भी नेम दिया होगा, नेम ऑफ पीपल, किसी का भी नेम दिया होगा उसको हमें अंडरलाइन करना है, प्लेस दिया है, प्लेसेस दिया है तो उसको अंडरलाइन करना है, थिंग्स दिया है तो उसको अंडरलाइन करना है, अगर कोई फ्रूट्स है तो उसको अंडरलाइन करना है। तो हम इसको रीड करेंगे पहले, ओके, फिर ये पैराग्राफ को हम समझेंगे क्या दिया है उसमें, उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ओके। सो स्टार्ट रीडिंग टुडे इज राजूज बर्थडे, टुडे इज राजूज बर्थडे, ही इज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, हिज मदर गिव्स हिम अ मैंगो प्लांट इन अ पॉट, ऑल हिज फ्रेंड्स विश राजू इन द स्कूल, दे सिंग हैप्पी बर्थडे विद देयर टीचर, देन द टीचर टेक्स देम टू द बैकयार्ड एंड प्लांट्स अ मैंगो प्लांट देयर, एवरीवन क्लैप्स फॉर हिम। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टुडे इज राजूज बर्थडे, आज किसका बर्थडे है, राजू का बर्थडे है, ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, वो स्कूल के लिए रेडी हो गया, हिज मदर गिव्स हिम अ मैंगो प्लांट इन अ पॉट। अब जो राजू की मम्मा है, मदर है, उन्होंने क्या दिया है राजू को जो है मैंगो प्लांट दिया है, और वो जो मैंगो प्लांट है वो राजू अपने साथ स्कूल लेके जाता है, ओके। ऑल हिज फ्रेंड्स विश राजू इन द स्कूल, और राजू का बर्थडे है तो सब क्या कर रहे हैं, राजू को विश कर रहे हैं, दे सिंग हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हम सॉन्ग बोलते हैं ना स्कूल में जब बर्थडे होता है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे राजू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे बोलते हैं सॉन्ग, तो वैसे ही सबने क्या किया, बर्थडे सॉन्ग बोले, सबने बोला स्टूडेंट्स ने, और उसके बाद में टीचर्स भी उनके साथ बोल रही थी, देन द टीचर टेक्स देम टू द बैकयार्ड, उसके बाद टीचर उनको कहाँ लेके गई, बैकयार्ड में लेके गई, ओके, और एंड प्लांट्स, जो प्लांट है उसको भी वो भी लेके गई, और बच्चे भी गए और राजू भी गया, क्या
प्लांट्स द मैंगो प्लांट देयर, वहाँ पर क्या था, मैंगो प्लांट था. ओके, एवरी वन क्लैप फॉर हिम, मैंगो प्लांट लेकर आया था वो. अब उसको क्या किया, वो वहाँ पे उसने वो प्लांट को लगाया, जो मैंगो ट्री का जो प्लांट लेकर आया था उसने वो बैकयार्ड में लगाया. और जब उसने बैकयार्ड में मैंगो ट्री का प्लांट लगाया तो सबने क्या किया, क्लैप किया उसके लिए, क्या किया, क्लैप किया. अब हमें भी क्या करना चाहिए, प्लांट्स लगाने चाहिए. प्लांट्स हमें क्यों लगाने चाहिए, क्योंकि प्लांट से हमें फ्रेश एयर मिलता है. ओके, ऑक्सीजन हमें जो है वो हमें किससे मिलता है, ट्रीज़ से मिलता है. और हमारे इन्वायरमेंट को जो है, जो ट्रीज़ है वो एकदम क्लीन रखती हैं. ओके, तो हमें ट्रीज़ प्लांट्स लगाने चाहिए. और इसमें अभी देखो क्या क्या दिया है, वो हम इसमें नेम्स ऑफ पीपल प्लेसेस थिंग्स और फ्रूट्स एट्सेट्रा को अब हम क्या करेंगे, टिक करेंगे. ओके, देखो तो इसमें दिया है टुडे इज़ राजूज़ बर्थडे. तो राजू, राजू भी क्या है, नेम है. ओके, राजू क्या है, नेम है. उसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है, ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल. अब वो किसके लिए रेडी हुआ, फॉर द स्कूल, किसके लिए रेडी हुआ, स्कूल के लिए रेडी हुआ ना. तो राजू ये भी नेम है, उसके बाद स्कूल ये भी नेम है. ही इज़ मदर, मदर, मदर अभी पीपल नेम है, नेम्स ऑफ पीपल. ओके, मदर. गिव हिम अ मैंगो, मैंगो ये अभी प्लांट, प्लांट का जो नेम है वो मैंगो है. मैंगो जो है वो हम मैंगो खाते हैं ना, फ्रूट भी है मैंगो, तो ये मैंगो प्लांट. ओके, मैंगो प्लांट यहाँ पे दिया है, तो मैंगो प्लांट. ओके, ये भी नेम्स हुए. उसके बाद पॉट, पॉट भी दिया हुआ है. ऑल हिज फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड्स ये भी नेम है. ओके, नेम्स ऑफ पीपल, नेम्स ऑफ पीपल है ना, फ्रेंड्स. ओके, राजू स्कूल को तो हमने पहले टिक कर लिया है. उसके बाद टीचर, टीचर भी पीपल, पीपल ऑफ नेम, नेम ऑफ द पीपल है. उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो यहाँ पे दिया है बैकयार्ड, बैकयार्ड ये भी प्लेस है. ओके, तो प्लेस का, प्लेसेस बोले ना यहाँ पे, प्लेसेस, तो बैकयार्ड भी प्लेस है. उसके बाद फिर से मैंगो प्लांट ये दिया हुआ है, प्लांट्स ये तो हमने फिर से देखा ही. एवरीवन, एवरीवन मतलब सब लोग, ठीक है. तो ये सब जो है हमें अंडरलाइन करने के लिए दिया हुआ है, वो सब हमने अंडरलाइन किया. ये देखो मदर अंडरलाइन कर लो, और राजू, ठीक है, ये सब हमने अंडरलाइन कर लिया. अब हम इसको आगे देखेंगे क्या दिया हुआ है. लुक एंड से, देखो ये नीचे दिया है ना, लुक एंड से हम उसको रीड करेंगे. ओके, देखो, टुडे बर्थडे स्कूल मैंगो प्लांट पॉट फ्रेंड्स टीचर बैकयार्ड एवरीवन. ओके, तो टुडे बर्थडे, टुडे मतलब आज, बर्थडे, बर्थडे होता है ना, बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, जिस दिन हमारा बर्थ होता है उसको बर्थडे कहते हैं. स्कूल, ये भी प्लेस नेम है, मैंगो ये फ्रूट नेम है. प्लांट, प्लांट जो हम लगाते हैं वो भी नेम है. पॉट, पॉट पता है ना आपको, पॉट जो जिस पॉट में ये रखा हुआ है प्लांट उसको पॉट कहते हैं, या जो मिट्टी का जो पॉट होता है जिसमें पानी पीते हैं, पानी पीते हैं, वो भी पॉट है. फ्रेंड्स, जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो भी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो भी ग्रुप्स है, ठीक है, फ्रेंड्स का ग्रुप होता है फ्रेंड्स, तो नेमिंग ऑफ पीपल है. फिर टीचर, बैकयार्ड ए प्लेस नेम है. एवरीवन सभी लोग, तो ये इस लेसन में दिया हुआ है. ओके, तो इस लेसन के थ्रू हमें क्या समझ में आया कि पीपल जो नेम्स ऑफ पीपल है, प्लेसेस है, थिंग्स एंड फ्रूट्स, उसके जो हैं हमने नेम्स देखे. ओके, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर.